वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक और नए ब्लॉग पर। और उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और मेरे जैसे तो रहने की सोच भी मत लेना, क्योंकि अंजाम आपको पता चल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको आते हुए बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैंने आपको दिखा देता हूँ। आज यहाँ पर जो है सिटी के अंदर नित्या के सपोर्ट भैया जी आए हैं, और तो उनसे मिलने के लिए हम आए हुए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर काफ़ी, और बाकी आपको जो है सारा का सारा ब्लॉग देखने के लिए मिल जाएगा। ये आप ब्लॉग में आ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने अपने भाई कॉमेंट में कुछ भी बता सकते हैं हमें कि क्या क्या आपको अच्छा लगा देखने में, कैसे लगे नित्या जी भैया। तो हमें भी भाई पूछते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछते हैं इनसे, और फिर आपसे मिलते हैं। और आप देखना और बने रहना पूरे ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर चल रहा है फोटोशूट, और एक एक करके सर्च कर रहे हैं सभी के चैनल को प्रमोट। तो हम भी देखते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, इतने आप लोग का एंजॉय करें पूरा का पूरा। और दोस्तों यहाँ पे दीपिका ब्लॉगिंग ये जो चैनल है, इनको आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत कर रही है और पेशेंस नहीं खोया है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, छोड़ा नहीं, भले ही कुछ भी हो जाए, मोनेटाइज कर लिया चैनल, थोड़ा सा और एफर्ट लगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम हीरे की तलाश में निकलते हैं, हीरा मिलने वाला ही होता है और हम रास्ता छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो वो चीज़ें आप समझिए, बस आपने अभी तक अगर कंटिन्यू रखा है तो चलिए बहुत बढ़िया है। अभी ये मोनेटाइजेशन है, बिना मोनेटाइज के पैसे कमा लिए। वाह भाई, लाइव सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए राइट अर्निंग चैनल का नाम है, इनको सब्सक्राइब कीजिए। और इनका, हाँ एक मिनट बस, और इनका जो है ना फर्स्ट ब्लॉग वायरल हुआ था, माई फर्स्ट ब्लॉग। रेगुलरिटी छोड़ दी इन्होंने, तो व्यूज का फिर कुछ डाउन हो गया, बट फिर आप रेगुलर आओगे ना, फिर से हो जाएगा। बस काम करो, ठीक है। भाई को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो आ जाओ भाई, तुम गुलाब के गर्लफ्रेंड हूँ मैं, सही प्यार है भाई का। तो क्या नाम आपने बताया? सर मेरे को तुमका नाम लोन गया। लोन गया, अभी इस उम्र में ही लोन ले लिया क्या आपने? करिए, ठीक है। बाकी इनके चैनल लोन ज्ञान को गाइस सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है भाई, इस उम्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए एनिमल सो सो एक्स वाई जेड ये आपका चैनल टॉप 10 में आ गया, मतलब टॉप 10 के लिए फेमस हो गया। जैसे आपने लॉक के डाला ना 10 ब्यूटीफुल क्रिएट्स या 10 गुड फोटोग्राफी, तो अब इसके बाद आपको डालना चाहिए था मोस्ट गुड 10। तो ट्रेन नहीं है ना आज मैं बस से जाऊंगा। अच्छा चलिए जी बताइए, बहुत जोर से बोलो ब्लॉगस्टर। ये देख सकते हैं भाई का चैनल है, ये भाई हैं और 1.11 के सब्सक्राइबर हैं। 354 वीडियोज उन्होंने अपलोड कर दिए। किस टाइप से रिलेटेड? यू पिछले 2 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये आपने कौन सी वीडियो बनाई? यूट्यूब के जल्लाद हैं मेरे चैनल बर्बाद कर दिए इसके चक्कर में, ये कौन सा वीडियो भाई? मेरे को बहुत गलत जवाब मिला, मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। जिससे मैंने सवाल पूछा उन्होंने मुझे बहुत गलत जवाब दिया, मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी उनसे। शुरू से उनको गुरु मानता आ रहा हूँ, उनकी बात मानता आ रहा हूँ, उन्हीं के कहने किसका किसका हमारे टेक्निकल सपोर्ट चैंपियन टेक चैंपियन सब क्या कर दिया। मैंने उनसे पूछा था कि भाई हमारी थोड़ी सपोर्ट करो, मैंने 100 मैसेज करे उनको, 150 मैसेज करे, 1 मैसेज करे, 1 रिप्लाई नहीं किया। मैंने कॉल भी किया उनको, नहीं किया उन्होंने कोई भी रिप्लाई मेरा। और बदले में मैंने उनसे पूछा कि क्या आप व्यूज के लिए जाते हो फेमस बंदों के पास? कहते हैं कि हाँ हम व्यूज के लिए ही जाते हैं, आप मैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरा बहुत दिल टूट गया उस टाइम में। देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, वो हमारे भगवान हैं। ये हैं, ये हमें देखते हैं, ये हमें प्यार करते हैं, तब हमें 2 पैसे मिलते हैं, हमारा पेट चलता है कि नहीं। तो इनसे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं है। अब मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी तरीकों से लोग काम करते हैं, ठीक है। तो किसी के बारे में मैं कहना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन आपने जो ओपिनियन दिया, चलिए हमारी ऑडियंस सामने है, लोग सामने है, वो खुद ही समझ जाएंगे, जो खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप अभी क्या चाहते हैं और क्या आपके सवाल है? आप मेरी वायरल क्यों नहीं हुआ, इतनी मेहनत करी है सारी चीज में, टैग टाइटल वगैरह सारी चीज में डालता हूँ। कहाँ से है आप? मैं लोनी से हूँ, यूपी से। तो किस टाइप का, मतलब ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग करते हैं? फैमिली लाइफ स्टाइल वगैरह ब्लॉग डालता हूँ मैं, कहीं जाता हूँ तो भी ब्लॉग बनाता हूँ, वहाँ का कोई चैलेंज करता हूँ तो भी ब्लॉग बना देता हूँ मैं। ब्लॉग तो आप बनाते हैं, कितने दिन हो गए यूट्यूब का वो काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल काम कर, लेकिन आपको थंबनेल बनाने आज तक नहीं आया, थंबनेल में आपकी कमी है, ठीक है।
जो भी थंबनेल आप बना रहे हैं, कुछ कुछ थंबनेल आपके सही हैं, लेकिन कुछ कुछ थंबनेल में आपकी कमियां हैं। इस चीज को मानते हो आप? इस चीज को जी, इस चीज को आपको सही करना होगा। दूसरी चीज मैं आपको देखो बताता हूँ, आप जिसको इंस्पिरेशन मानते हो, मतलब जिसको लगता है कि हाँ उनकी वीडियो देख के हमें काम करना है, उनकी वीडियो ही मतलब व्यू जाते हैं अच्छे खासे, तो आप देखो कि वो कौन सा आइडिया यूज कर रहा है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। आप बस ये दिमाग में रखो कि कहीं ना कहीं मुझ में कमी होगी तभी मेरी वीडियो नहीं चल रही, अगर आपका कमी नहीं होगी तो वीडियो चलती है। समझ रहे हो बात को आप? तो सबसे पहले देखो आप थंबनेल में कहीं कहीं पे ठीक है, कहीं कहीं पे आप कमियां करते हैं, और कभी भी ब्लॉगिंग करिए ना तो एक अलग तरीके से करिए, थोड़ी यूनिकनेस होनी चाहिए। अब मान लो ये जगह है दिल्ली की, इस पे मान लो हजारों लोगों ने वीडियो बना रखी है, मैंने एक वीडियो बना भी दिया कि ये देख लो दिल्ली की ये चीज़ है, तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि ये नॉर्मल है और यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है, ठीक है। और मैंने ये किसी की वीडियो बना दी और मैंने थंबनेल में लगा दिया कि दिल्ली का ये जगह आपने कभी नहीं देखा होगा, देख के उड़ जाएंगे आपके होश। समझ रहे हो बात को? समझो, चीज़ें वही होती है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज होता है, हमें लोगों को कैसे दिखाना है चीज़ों को, कैसे बताना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो? थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है और काम अच्छा कर रहे हो, रेगुलरिटी है, व्यूज़ भी अगर मैं देखूँ तो 1 ईयर पहले कुछ वायरल भी हुआ है, ठीक है। थंबनेल सबसे पहले चेंज करना है आपको, और आप देखो कहाँ वीडियो में कमी है, एक बार अपना मोबाइल लेके अपनी वीडियो खुद से आधे घंटे बैठ के देख लो, ठीक है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ कमी है। समझ रहे हो आप? और कोई सवाल? इम्प्रेशन इसलिए रुक जाते हैं ना कि मैंने जैसा कि अभी बताया कि जितने सर्चेज होते हैं, अभी माई फर्स्ट ब्लॉग जैसे वायरल हुआ था, ज्यादा सर्चेज हो रहे थे, ज्यादा इम्प्रेशन जा रहे थे लोगों को, जिस टॉपिक पे उस टॉपिक पे क्यों वीडियो बनाने के लिए बुलाया जाता है जो ट्रेंडिंग हो, क्योंकि उसमें आपके इम्प्रेशन ज्यादा जाते हैं, तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक उठाओ इम्प्रेशन जाए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मैंने 300 कुछ वीडियो डाल दी है, इससे पहले भी मैंने डाली थी वो डिलीट कर दी मैंने, तो मतलब यूट्यूब का इतना तो कुछ एल्गोरिथम होना चाहिए कि 300-400 वीडियो अगर कोई भी यूट्यूबर डाल रहा है तो एक वीडियो ऊपर जाए। हाँ, ये आपकी गई है ना वीडियो, यहाँ देखिए आप, मैं दिखाता हूँ, 16,000, 2,000, 4,000, 5,000, 1,000, 1,000, 1,000, मतलब ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताओ ये व्यूज कैसे आए, इम्प्रेशन गया तभी तो आए, गलती यूट्यूब की नहीं है मेरे भाई। समझ रहे हो आप? कभी कहीं ना कहीं कंटेंट में होता है, इस चीज़ को सही करना है। मैंने क्या बोला, थंबनेल सही करो और आधी घंटी खुद की वीडियो बैठ के देखो, प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कहाँ पे है। समझ रहे हो? और ब्लॉगर्स को भी फॉलो करो जो आपके कैटेगरी के बड़े चैनल है ना, जिन पे व्यूज जा रहे हैं, उनको देखो कि वो क्या कंटेंट यूज करते हैं, कैसे वीडियो बना रहे हैं, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देख लिया, कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी, बोलेंगे देखो अगर कोई गलत कर रहा है तो कॉन्ट्रोवर्सी होनी भी चाहिए। सही बात, यूट्यूब पर आकर अपने आप को दिखाते हैं हम कितनी हेल्प कर रहे हैं लोगों की, और लेकिन वो हकीकत में है ही नहीं ऐसे। चलो कोई बात नहीं, उनको एक्सपोज नंबर की बात बोली, नहीं डरते हैं, ठीक है। हम जो गलत करता है ना उसको हम एक्सपोज करते हैं भाई, हम जो चीजें हैं, जो रियलिटी है वो दिखाते हैं, यहाँ तक कि अर्निंग भी दिखाते हैं ना चैनल में, क्या देखो कितनी अर्निंग होती है, तो वो चीज कभी छुपाते नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तभी तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा ना, सबसे बड़ी चीज। आगे यशवंत भैया जी है, उन्होंने मेरी फुल सपोर्ट है, वो मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मुझे बुला भी रखा है पॉडकास्ट के लिए, पर मैं वहां तक जा नहीं पाया क्योंकि बहुत दूर है वो मेरे यहाँ से, मैं जा नहीं पाया, इस वजह से मैंने उनसे बोला कि कभी और टाइम मिलेगा तो मैं जाऊंगा जरूर उनके पास, मिल के आऊंगा। उन्होंने ये भी बोला कि हम टेक चैंपियन सपोर्ट के पास भी आपका पॉडकास्ट करवा देंगे, मैं मेरे हाथ जुड़वा देना, क्योंकि पता चले कि मैं यहाँ से 6,000-7,000 रुपये खर्च करके जाऊँ और मेरे को लाते लगा दे तो फिर मेरा क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप और लोगों को मौका दीजिए, इनकी एक पिक्चर ले लीजिए। हाँ, ये चैनल दिखा दिया ना मैंने, दिखा दिया इस्माइल, चलो पकड़ो। नमस्कार, तो दोस्तों यहाँ पर चल रहा है फोटोशूट वगैरह अभी, और यहाँ पर जो है जगह थोड़ी सी भाई ट्रैफिक सा हो रहा है ना लोगों का, तो इस वजह से शोर वोर ज़्यादा आ रहा है, तो भाई अभी हम जाएंगे दूसरी साइड में, पालिका बाज़ार के ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ पर जाकर जो है सर जो है एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन कराएंगे और सबके चैनल को प्रमोट करेंगे पर्सनली, तो आप देखना बिल्कुल भी ना भूलना। और चलो चलते हैं और देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, और पूरे ब्लॉग पर बने रहना क्योंकि ऐसा ब्लॉग सिर्फ आपको ही देखने के लिए मिलेगा। डालने को तो मैं छोटा ब्लॉग भी बनाकर डाल सकता था, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। तो भैया ब्लॉग पर बने रहना, और जिस जिसके नाम मैंने शो किए हैं सभी को आप सपोर्ट कर देना, और भाई चल लो चलते हैं, और आगे भी बहुत मज़ा आएगा आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी एक से एक बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं यहाँ पर, और वो दिखाएंगे आपको, बताएंगे अपनी अपनी बारे में, तो भाई बने रहना, ठीक है, चलो चलते हैं।
तो आज जिंदगी में मुझे पहली बार इतना अच्छा फील हो रहा है कि आपको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आज जितने भी मेरे आसपास में ये चल रहे हैं सारे के सारे ये यूट्यूबर्स हैं और मैं भी इनके बीच में रहकर एक यूट्यूबर के नज़रिए से देखा जा रहा हूँ। जो भी देख रहा है मुझे भी यूट्यूबर के नज़रिए से देख रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है इसमें कि मैं आज इतने बड़े यूट्यूबर के साथ चल पा रहा हूँ, उनके बराबर में जा रहा हूँ और मेरे साथ में इतने सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं जो कि अन्य अन्य राज्य से आए हुए हैं अपने अपने यहाँ पर मीटअप में मिलने के लिए सर के साथ में। तो आप देख सकते हैं हम सीपी कनॉट प्लेस में हैं, पार्क में आ चुके हैं हम और अब हम जाएंगे पालिका बाज़ार के ऊपर और वहाँ पर एक एक करके सबका जो है अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन होगा और सबके चैनल को प्रमोट कराया जाएगा। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना क्राउड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। और भाई हमें भैया चलो कोई बात नहीं, अब हम यूट्यूबर के साथ हैं तो यूट्यूबर ही हमें कहा जाएगा और बाकी घर वर के पास में तो भाई हमको वैसे ही पागल कहते हैं लोग के भाई क्या फ़ोन लेकर चल रहे हो, क्या वीडियो बना रहे हो, फलाना ढिकाना ये वो। भाई अच्छी बात है, कोई बात नहीं भाई, जिसका जैसा नज़रिया वो वैसा देख सकता है, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है और चलते हैं और आप भी एंटरटेनमेंट का मज़ा लेना फुल फुल। तो भैया सर जी ने जो है लोग खड़े हुए थे तो उनकी परेशानी को देखते हुए हम सबको पिला दी कॉफ़ी और भाई जब तक उनका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इतने हम पीते हैं कॉफ़ी और फिर हम भी जाते हैं इंट्रोडक्शन देते हैं। और आप बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके पूछ लेना जो भी पूछना हो और बिल्कुल भी स्किप मत करना व्लॉग को, क्योंकि व्लॉग आगे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब अभी देख सकते हो कि मैं दिल्ली आया हुआ हूँ और यहाँ पे मीटअप था जैसा कि आप सबको पता है, और ये भाई हैं जो कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और ये अंकल जी हैं जो कि काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं भाई को, इनके पिताजी हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना तो हमारे फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता था, मेरे पिताजी कहते थे ये सब तुम क्या करते हो, फालतू की चीज़ें, पढ़ाई लिखाई करो, काम करो, क्या ये वीडियो वीडियो बनाते रहते हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता था यार कहीं हम गलत तो नहीं है, मतलब कहीं ऐसा फील होता था, लेकिन कहीं ना कहीं समझ में आता था कि यार मतलब लाइफ में कुछ करना है, माता पिता को प्राउड फील कराना है कि कुछ ऐसा करके कि माता पिता को लगे कि नहीं चलो जो है हमने जो बोया वो हमने पाया है ना, तो ये चीज़ होती है। तो भाई ब्लॉगिंग करते हैं और इनके फादर जो है अंकल जी काफ़ी सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कारपेंटर का काम करते हैं ना, कारपेंटर का काम करते हैं और उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी पैसे जनरेट होते हैं उसको सारा का सारा अपने यूट्यूब वीडियो में खर्च करते हैं, बस खाने के लिए और इस्तेमाल करते हैं, बाकी यूट्यूब में खर्चा कर रहा है। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ना कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी चीज़ पे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो भाई ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और काफ़ी वीडियोज इनको मैंने देखा कि वीडियोज बना चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कुछ कुछ कमियाँ होती हैं और वही हम बताते हैं, सिखाते हैं कि देखिए ये कमी है तो इस चीज़ को सही कीजिए, क्योंकि अगर गलत तीर मारेंगे ना तो उसका निशाना कभी सही नहीं लगेगा, और अगर समझ के बूझ के अगर सही तीर मारेंगे ना तो निशाने पर लग जाएगा। तो कुछ गलतियाँ थी भाई के चैनल पर जो कि थंबनेल में ये सारी चीज़ों में, वो चीज़ें मैंने इनको बताई और आई होप मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें जो है आपको करनी है। और नंबर भी हम मैंने इनको दे दिया पर्सनली, कोई चीज़ पूछनी होगी तो, और इनको सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ होता है कि खुद पे इतना मेहनत करके मेहनत के कमाए हुए पैसे यूट्यूब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा रिस्क भी होता है अपने आप में। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैंने 1.5-2 साल में तकरीबन 1.5 लाख रुपये लगा चुका हूँ, मुझे पता है, मैंने अपना स्टूडियो भी बना रखा है, उसमें सारी चीज़ सेटअप वगैरह लगा रखी है और बाकी हेल्प भी बहुत ली मैंने लोगों से, पर हेल्प इतनी मिली नहीं, नहीं कोई सपोर्ट करी किसी ने भी, बट बाकी आज मुझे मौका मिला तो मैंने इस मौके को नहीं छोड़ा और मैं सारी चीज़ छोड़ छाड़ के काम धंधा छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ भैया जी से मिलने के लिए, क्योंकि ये मौका मुझे आज 2 साल पे पहली बार मिला है तो इसको मैं खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं भैया जी से मिलने के लिए आया यहाँ। और दोस्तों आप भाई को सपोर्ट कीजिए और आप इससे भी अच्छा कंटेंट आपको इनके चैनल पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इनको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं जी, और सपोर्ट कीजिए क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो भाई अभी देखिए सर सॉन्ग सुनाने वाले हैं तो सब लोग सॉन्ग सुन, थोड़ा तेज सुनाए क्योंकि माइक इससे दूर है। अरे बाप रे यार तुम तो यार मैं लग रहा है ये बुरा ये क्या बोलते हैं यार, दोस्तों सर एक जो है सॉन्ग सुनाना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है देखो, ये मीटअप जो होता है मीटअप, हम लोग एक दूसरे से मिलने आए हैं, सपोर्ट के लिए आए हैं, ठीक है। और जो ये सॉन्ग है उस टाइप का ही डेडिकेटिंग सॉन्ग है, दोस्ती पर सॉन्ग है, ठीक है। गाना है मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया
तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। एक न्यूज सॉन्ग है, ठीक है। मेरा दर्पण न किया तेरी, तुझको तरसे रतिया मेरी, जीना मुझको रस आने लगा, जब से चैकी बगिया तेरी, जोगन तेरा मारा रसिया, जग जीता दुहारा रसिया, पद तेरे चौबारे तेरे, सदके मैं बंजारा रसिया। बहुत अच्छा, बहुत प्यारी आवाज़ है। थैंक यू सो मच। जाओ हमारे यार के म्यूजिक गाना चैनल है, बहुत दिन से काम पर रुका हूँ, मुझे अच्छा म्यूजिक का पैसा कुछ अपना लेके आऊँ गाने वाने। वैसे गिटारिस्ट गाने मिलते रहेंगे हमारे ब्लॉग चैनल पे, ब्लॉग चैनल का नाम है आयुष राज कश्यप ब्लॉग, आप जाके विजिट कर सकते हैं। गाना सुनने का मूड बहुत, आप मूड बना के आओ, आपको मैं आंसू ना लाजी तो हमारा भी नाम नहीं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, चलो सब कर लो एक दूसरे का। तो गाइस कैसा लगा आपको ये लोग बताना ना भूलना बिल्कुल भी। और देखो हम खड़े हैं इस टाइम सीपी में, और ये पालिका बाजार का ऊपर वाला फ्लोर है, जहाँ पे मतलब छत है ये, जहाँ खड़े हुए हैं हम, ऊपर ये पार्क है और यहीं पर मीटअप हुआ है। और वो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, नित्या के सपोर्ट भैया खड़े हुए हैं, जा रहे हैं वो। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के और बहुत सुकून मिला, और जो जो हमें पूछना था वो सारी चीज़ हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो ऐसे भी लोग आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे, देख सकते हो आप सभी यूट्यूबर्स खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो भाई अभी फोटो शूट चल रहा है, भाई देख सकते हो हम करा चुके हैं और अभी चल रहा है यहाँ पर फोटो शूट। मेरा भैया जी विवेक ब्लॉग करके नाम है, विवेक ब्लॉग भाई को सपोर्ट कीजिए, अच्छे वीडियो बनाते हैं। और अपना भी एक चैनल है, तो कटिंग टीम के नाम से एक टीवी आ रहा है, इसमें दो आईफोन टीवी कर रहे हैं, लैपटॉप, तब तक शायद वीडियो अपलोड हो जाए, तो विजिट कीजिएगा चैनल पे। भाई को भी देखा है आपका वीडियो वगैरह देखिए, लेकिन चलो कोई करना दो आईफोन है उसमें, एक लैपटॉप है, दो ढाई लाख का टीवी है। गाइस आप भी आइएगा और प्लीज़ विजिट कीजिएगा, और क्या पता आप भी विनर हो सकते हो, तो जरूर आएगा। अशोक हेल्पिंग टीम के नाम से चैनल है, तो भैया का चैनल से भाई भी अच्छा वीडियो बनाते हैं। बाय बाय, मेरे ब्लॉग भाई देख नहीं रहा है, वैसे आप देख लेना, ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, नाम कर लेंगे, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो विवेक ब्लॉग का। ठीक है ब्लॉग ठीक है। तो यहाँ पर भाई एक भैया और मिल चुके हैं, अपने चैनल का नाम बता दो। अमन गेमर स्टार, अमिन अमित, अमन गेमर स्टार, अमिन अमन अमन गेमिंग स्टार, गेमर स्टार, ओके। तो भाई 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 का चैनल जाकर देख लेना, भाई गेम खेलते हैं, ठीक है। तो भाई खाली वैसे गेम खेलते हो या रियल लाइफ में? इंटरेस्टिंग अपडेट वगैरह ये सब गेमिंग के लिए छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी न्यूज सब बताता हूँ मैं अपने चैनल पे। भाई भाई का चैनल हमने तो सब्सक्राइब कर दिया है, और भाई से भी हम अपना चैनल सब्सक्राइब करा लेंगे, क्योंकि मैं भी देख रहा था कि जो भी बंदा मिलने आ रहा है ना भैया से, वो बस खाली भैया के साथ वीडियो बना रहा है और गोली हो रहा है यहाँ से। भाई यार एक दूसरे के साथ सपोर्ट करो ना, तो सब एक दूसरे का सपोर्ट करो, जब यहाँ पर आए हो आप सपोर्ट करने के लिए, तो भाई दो चार सब्सक्राइबर तो बढ़ा के जाओ अपने। मैडम जी का तो बड़ी चैनल चल रहा है, मैडम जी से करवा लो सपोर्ट, नहीं करवाएंगे मैडम जी के चैनल में हम आ गए, वही बढ़िया बात है। भाई मैम से भी चैनल सब्सक्राइब करा लेते हैं एक बार, सुनीता चैनल का नाम
चैनल का नाम बताना है, मेरे चैनल का नाम सुनीता जैनी ब्लॉग है और आप जाकर के वहाँ विजिट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे नए होंगे, वैसे नए तो होंगे ही तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो भाई आप भी कर लेना, मैम ने अपना चैनल बता दिया है, हमने तो कर दिया सब्सक्राइब, अब आपकी बारी, अब आप कर दो और सपोर्ट करो भाई जितनी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ आप ही लोग। भाई मैम से हमने अपना चैनल सब्सक्राइब करा दिया है, उम्मीद करते हैं कि भाई आप ही लोग सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू मैम। तो भाई देख सकते हो मेरे साथ कौन खड़ा हुआ है, भाई संजय कुशवाहा ब्लॉग, और इन्हीं भाई का तुम्हारे पास ब्लॉग वायरल हुआ है, आप सर्च करके देख सकते हो। बाकी ये बता देते हैं अपने चैनल के बारे में, संजय कुशवाहा ब्लॉग नाम है, जाके देखना एक बार, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलो देख लो यार, और भाई को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, काफ़ी अच्छी मैंने इनका चैनल देखा है। भाई पीछे हमारे भैया खड़े हुए हैं, देखते हैं सपोर्ट किया, तो उनसे भी हमने सवाल जवाब पूछ लिए, फुल सेटिस्फाई हो चुके हैं हम उनके सवाल जवाब से। और यहाँ पर हमारे भाई मिले हैं संजय कुशवाहा ब्लॉग, तो भाई हमने सब्सक्राइब कर लिया, आप भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक नन्हे से दोस्त और आए हैं, अभी हम इनका भी चैनल सब्सक्राइब करेंगे। बताओ चैनल भी पता चलता, वाह लोग तो बहुत सारे बनाए लेकिन डालने में थोड़ा वो होता है। एक तो पहली बात तो ये जो ये आपने स्पेलिंग कर रखी है ना इसकी, इसको पूरी इंग्लिश में करो, ये टेढ़ी मेढ़ी मत करो, सब कर लो एक दूसरे का। तो भाई कैसा लगा आपको ये लोग बताना, ना भूलना बिल्कुल भी। और देखो हम खड़े हैं इस टाइम सीपी में, और ये पानी का बाजार का ऊपर वाला फ्लोर है, जहाँ पे मतलब छत है, ये जहाँ खड़े हुए हैं हम, ऊपर ये पार्क है और यहीं पर मीटअप हुआ है, और वो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, मिस्टर के सपोर्ट भैया खड़े हुए हैं, जा रहे हैं वो, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और बहुत सुकून मिला, और जो जो हमें पूछना था वो सारी चीज़ हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो ऐसे ही लोग आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे, देख सकते हो आप सभी यूट्यूबर्स खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो भाई अब हम जा रहे हैं घर पे और मिल चुके हैं, और पूरा भी लोग देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब लाइक कर देना, जिस जिसके भी चैनल दिखाए ना सबको सपोर्ट करना, ठीक है। देख सकते हो आप ये सीपी का माहौल है ऊपर का, देख सकते हो पाली का बाजार के ऊपर है हम, और यहाँ पर वो लगा हुआ है। मैं रुकना तो चाहता था लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ज़्यादा देर रुकूँ मैं, क्योंकि घर जाके मुझे काम भी करना है, तो मैं मिलता हूँ आपसे घर पे ही, चलो चलते हैं। तो दोस्तों जितने भी हमारे यहाँ पर फ्रेंड मिले थे वो ही सब बढ़िया इंसान हैं, जैसे कि हमने उनको आपसे मिलवाया और देखा उनका चैनल, और हमने चैनल सब्सक्राइब भी किया हुआ उनका, और सबसे अच्छा लगा मुझे नित्या भैया जी से मिलके, क्योंकि वह बहुत ही सपोर्टेबल इंसान हैं, जैसे कि और क्रिएटर होते हैं कोई किसी की हेल्प वगैरह नहीं करता है, तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ है, और सभी से इन्होंने प्यार से और अच्छी भावना से इन्होंने बात की, सभी की प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व करा, तो मुझे तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि अगर जीवन में कभी भी इनसे मिलना हुआ तो मैं ज़रूर इनसे मिलूँगा दोबारा, पर उससे पहले आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, तभी हम आगे तरक्की के रास्ते पर जा सकते हैं, और ये सिर्फ आपके बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ आप आए और हमें सपोर्ट करें और भी अन्य लोगों को भी सपोर्ट करें। धन्यवाद।